चंद्रपुर जिले में एक तरफ कोरोना ने हाहाकार मचा कर रखा है, वहीं दूसरी ओर कोविड रुग्णालय में इंटर्नशिप कर रहे 90 डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू की। इन डॉक्टरों की क्या मांगे है, देखते इस खबर में। चंद्रपुर जिले में कोरोना का संकट बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और वहीं अब चंद्रपुर जिले के आरोग्य यंत्रणा के सामने एक नई समस्या सामने आ गई है। कोविड रुग्णालय के 90 इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टर अपनी विविध मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। गौरतलब है चंद्रपुर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 2016 के पहले बैच के सभी 90 उत्तीर्ण डॉक्टर हाल में शासकीय कोविड सेवा में तैनात किए गए हैं और उन्होंने अपने इस आंदोलन के संदर्भ में कहा कि अगर आने वाले 5 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर अगर कोई निर्णय नहीं हुआ तो आगे महीने में एक बड़ा निर्णय लेने का भी इशारा उन्होंने दिया। तो सुनिए अपनी मांगों के संदर्भ में आंदोलनकारी एक डॉक्टर ने क्या कहा स्वयं उन्हीं जीवानी। मी आहे ते असे आहे की आमचे जे स्टाइपन आहे ते सध्या जसं पूर्ण महाराष्ट्रात इक्वली असलं पाहिजे म्हणून 50,000 तरी स्टाइपन त्यांनी द्यावं। दुसरं आम्हाला एक इन्शुरन्स म्हणजे की विमा जो असतो की एकदा जर डॉक्टरची जर डेथ होते तर त्याला 50,00,000 रुपये गेल्या वर्षी सेंट्रल गव्हर्नमेंटकडून होता तो सुद्धा यावर्षी काढण्यात आला। मग तो जी जर सुरक्षा एखाद्या डॉक्टरला नसेल तर आमच्या घरच्यांनी जे काही मेहनत आत्तापर्यंत आमच्यावर घेतली त्यांच्याकडून काही ना तरी अपेक्षा आमच्याकडून आहे याचा विचार सरकारने केला पाहिजे। दुसरं आणि बेड्स, कारण जेव्हा आम्ही 10 ते 20 लोकांचे एक डॉक्टर एक इंटर्न 10 ते 20 पेशंट सांभाळू शकतो एक टायमाला, त्याचा जर जीव धोक्यात असेल तर त्याला त्यावेळेला बेड अवेलेबल असला पाहिजे आणि त्याच्यामुळं आरक्षित बेड काही ना काही ऑक्सिजनचे आमच्यासाठी ठेवण्यात यावेत। आणि क्वारंटाईनसाठी किंवा आयसोलेशनसाठी हॉस्पिटल किंवा वॉर्ड्सची सुविधा, सध्या कारण हॉस्टेलला किंवा इथं राहता येणार नाही पॉझिटिव्ह आल्यानंतर, तर त्याची सुविधासुद्धा त्यांनी करावी। अशा 4 मेन मागण्या आमचे माननीय अधिष्ठाता डॉक्टर अविनाश टेकाडे यांना आम्ही केलेल्या आहेत।